बहन के प्रेम विवाह से गुस्साए भाई ने अपने जीजा को मौत के घाट उतार दिया। 2013 में घर से भागकर बहन द्वारा करी शादी से खफा भाई ने 6 वर्ष बाद इंतकाम लेते हुए पहले मध्य प्रदेश से लुधियाना आया और फिर लुधियाना आकर अपने जीजा को एक सुनियोजित साजिश के तहत उसका गला काटकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने अपने एक दोस्त की मदद से बुधवार की रात राजकुमार नामक व्यक्ति को तेज धार हथियार से काट कर एक नहर के किनारे फेंक दिया और दोनों फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज करके कातिलों की तलाश आरंभ कर दी है। कहते हैं कि रंजिश के सामने हर रिश्ता फीका पड़ जाता है, फिर चाहे वो रिश्ता सगी बहन के साथ ही क्यों ना हो। कलयुगी भाई ने अपनी रंजिश को 6 सालों तक अपने सीने में पाले रखा और 6 साल बाद उस रंजिश को पूरा करने की खातिर अपनी ही बहन का सुहाग उजाड़ दिया। अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए अंकित नामक कलयुगी भाई ने पहले प्लान बनाया और फिर मध्य प्रदेश से पंजाब की लुधियाना में आकर एक सुनियोजित साजिश के तहत अपने जीजा को बहाने से लुधियाना के घंटाघर इलाके में बुलाया और स्टेशन छोड़ने के बहाने अपने जीजा की मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गया और मौका देखते ही लुधियाना के जसपाल बांगड़ इलाके में उसका गला रेत दिया और जब वो मोटरसाइकिल से नीचे गिर गया तो उसके पेट में भी छुरा घोंप दिया। अंकित नामक आरोपी ने इस काम के लिए भूपिंदर सिंह नामक अपने एक अन्य दोस्त की मदद भी ली। मृतक राजकुमार की शादी आरोपी की बहन दीपा से साल 2013 में हुई थी और दोनों ने प्रेम विवाह किया था। बस यही बात अंकित को खटक रही थी क्योंकि अंकित की बहन दीपा ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर अपने से नीची जाति के लड़के से शादी की थी और लुधियाना में आकर रहने लगी थी, मगर उसे क्या पता था कि उसका सगा भाई आज भी उसके सुहाग को मिटाने के लिए। भैया वो एक मेरा भाई उसका दोस्त मेरे घर आए हुए थे 3-4 दिन पहले, वो लोग दिल्ली में रहे। उनका अचानक फोन आया मेरे पास, कहने लगे दीदी हम तुम्हारे घर में आएंगे। बोला कि आएंगे तो आ जाओ, एक दिन रुके रहे, खाना पीना सब कुछ खिलाया। दूसरे दिन उनको अमृतसर जाना था तो ट्रेन नहीं मिली तो फिर लौट के आ गए। बैठे रहे बाहर बाउंड्री पे, बैठे बैठे शाम को 8 बजे का टाइम था। मेरे मिस्टर ने गाड़ी घर में लगा के रखी थी, बोलने लगे कि आ जाओ और थोड़ी घूमने चलेंगे साइड तक। हम लोग पीछे पीछे आए, वो नहीं देखे, वो जल्दी उनको लेके चले गए। बस वो आगे बाइक चला रहे थे, वे लोग पीछे बैठे थे। पीछे बैठे बैठे ही उन लोग ने मेरे पति का गला काट दिया। पूरा गला काट दिया, पेट में भी चक्कू घोंप दी। मेरे जो दो बच्चे अनाथ हो गए, मेरे परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। हमारी नंद भी बैठी है, जो बहने बैठी है, बूढ़े बाप माँ बाप बैठे, उनका पैर टूटा रखा, हम क्या करेंगे। मतलब हमको इंसाफ चाहिए, उन लोग को फांसी दिलाइए, बस कुछ नहीं चाहिए। हमारे बच्चों के लिए कुछ करना है, बस हम लोग क्या करेंगे। हम लोग दूसरे शहर में आए हुए कमाने के लिए, धंधा पानी रोजी रोटी चलाते थे, बस उसी का पैसा ही नहीं मिला हम लोग को। हम लोग क्या करें, हम लोग के पास तो मिट्टी तक के लिए पैसा नहीं है, कहाँ से हम लोग पैसा लेके आए, क्या करें बता। हमारा तो संसार ही उजाड़ गए। रमेश कुमार, क्या हुआ? ये शादी से पहले इन्होंने 2 लंबेज कर लिए था। इनने ये ठाकुर की लड़की है, हमें अपना यादव मतलब क्या कहते हैं हरिजन, तो इसमें इन लोगों ने दगाबाजी करके ये शादी के बाद मतलब 2 साल के बाद में भाग के आए थे, ठीक है कि नहीं। ये राजी है, वो राजी है, 2 बच्चे पैदे हो गए हैं। इसके बाद में उनने रिश्ता बनाया है कि मतलब के हम तुमको मान रहे हैं, लेकिन मानने के चक्कर में आए यहाँ पे मिलने के लिए आए। इन्हें दगाबाजी करके घंटा घर बाजार में गए हैं हथियार खरीदने गए हैं। वहाँ से बोले हमने जाना घर, तो